वाला बरकत वाला है माह रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेजबान डॉक्टर मुकद्दस मलिक और जीएम न्यूज ला रहा है आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी मुलाकात होगी उलमाए कराम के साथ। आप सुन सकेंगे तलावत कुरान मजीद और आप सुन सकेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जीएम न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन में पैगाम रमजान आप देख सकेंगे एंकर पर्सन डॉक्टर मुकद्दस मलिक के साथ। नहमदु व नसल्ली अला अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद व औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक। रमज़ान अल मुबारक के पुरनूर समा के मौका पर जीएम न्यूज़ की तरफ से खसूसी प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में आपके सामने हाजिर हिदमत हूं। और नाज़रीन, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, पुरमसरत मौका है कि रमज़ान अल मुबारक का अल्लाह ताला ने हमें फिर एक मौका दिया कि हम इस सादत को हासिल करें, हम अबादात कर सकें और रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके तोबा कर सकें। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तरमा तनवीर कोसर कादरिया, जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात की नामवर नाथा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत अच्छे, आप सुनाएं। सही। और इनके साथ मौजूद हैं अनम, और आज हम इनसे पूछते हैं कि नाते रसूल मकबूल में ये हमें कौन सा कलाम सुनाने पसंद करेंगी। जी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनाऊंगी। सही जी, पेश कीजिए। Thank you.
माशाल्लाह ही प्यारा कलाम जो है आप लोगों ने पेश किया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि माह रमज़ानुल मुबारक है, अबादात के हवाले से अगर देखा जाए तो नात से बड़ी कोई अबादत नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो है अबादात में क्या चीज़ें मखसूस हैं? ये महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह अज़्ज़वजल का करोड़ों करोड़े साने, अल्लाह पाक ने साड़ी जिंदगी दे विच सानू एक बार फिर रहमतां इकट्ठियां करन दा महीना अता कीता है। इस महीने दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और रोज़े इखलास के साथ रखने चाहिए और हर मोमिन का दिल खुश करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया आपने। अच्छा इसके अलावा और क्या पुरनूर जो है आप हमें सुनाएंगे? और भी कलाम ही सुनाएंगे। जी जी शुरू कीजिए। जी तो अनमगुल साहबा माशाल्लाह से बड़ा मशहूर है आपका नात पढ़ना डफ के साथ, तो आप हमें और नाजरीन को जो है डफ के साथ जो है नात सुनाइए। सबसे पहले करती हूँ कि इस कलाम के सबके अल्लाह तबारक वताला सबको मदीने की हाली की नसीब फरमाए। दिन रात मंगा मैं हो दुआ, मैं जावा मदीने मदीने में जा, मैं जावा मदीने 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 में जावा, मदीने में जावा।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी नात आपने पढ़ी है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको इज्जत से नवाजे। जी मोहतरमा तनवीर कौसर साहबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसी वबा में मुबतला है जिसने लाखों जो हैं लोग इसकी नज़र हो चुके हैं, काफ़ी लोग जो हैं इनकी डेथ हो चुकी है, काफ़ी जो हैं इसकी सफरिंग में मुबतला हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप इस पाक माह रमज़ानुल मुबारक में तमाम लोगों को क्या मैसेज देंगी या क्या दुआ पेश करेंगी? दुआ करूँगी अल्लाह सुजल इस रहमतां ते बरकतां वाले महीने दे सदके अल्लाह सब नू इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुजल इस पाक महीने दे सदके तमाम कोरोना जैसे वायरस तू तमाम आलमीन को इस कोरोना जैसे वायरस तू महफूज रखे, अल्लाह ताला सब नू सलामत रखे, आमीन। जी थैंक यू सो मच, माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपने जो है दुआ की है। जी तो नाज़रीन, मोहतरमा तनवीर कौसर कादरिया ने जिस तरह से मोहब्बत और उल्फत से नाते रसूल मकबूल जो है वो पेश की है माशाल्लाह से, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। और साथ ही उन्होंने जो मैसेज कन्वे किया है पूरी आवाम के लिए और दुआ की है रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में अल्लाह पाक कुल आलमीन को इस मूजी बीमारी से वबा से महफूज रखे। और इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان